नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एलपी का अगर आप भी फॉर्म भर रहे हैं और आप इस असमंजस में हैं, आप इस डिलेमा में हैं कि कौन सा जोन आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो कैसे इस चीज को हम कैसे इस चीज को जस्टिफाई करें, कैसे इस चीज को जाने कि कौन सा जोन आपके लिए सेफेस्ट होगा, और कैसे आप जाने कि कम नंबर भी लाने पर आपका क्या हो, आपका सिलेक्शन 100% हो। तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत सारी चीजें, हम एक एक चीजें आपको डिस्कस करेंगे और एक एक चीजें बताएंगे कि कैसे कौन सा जोन आपको भरना है, जिससे आपको क्या होगा, जिससे आप कम नंबर भी लाएंगे तो आपने अगर जोन सेलेक्ट सही कर रखा है तो आपका जो सिलेक्शन है वो आपका निर्धारित हो। आप जानते हैं पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपने कौन सा जोन चुना है, ठीक है, कौन सा जोन चुना है और किस जोन से आप फॉर्म को भर रहे हैं। अगर हम देखें तो बेसिक पॉइंट, अगर एक सेफ जोन को चुनने के लिए जो बेसिक पॉइंट हो सकते हैं वो क्या होते हैं, तो आप कहोगे सबसे पहले जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस वैकेंसी में टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है, उस पोस्ट की टोटल वैकेंसी कितनी है। अगर एलपी, रेलवे एलपी की बात करी जाए तो यहां पर 5,696 पोस्टें हैं। टोटल अगर नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करी जाएगी तो आप कहोगे यहां पर लगभग कितने फॉर्म पढ़ने वाले हैं, तो आप कहोगे 40 से 50 लाख फॉर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम नंबर तीन की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो आपका रिस्पॉन्सिबल है वो नंबर तीन है, यानी कैटेगरी भी आपको निर्धारित करनी होगी कि आप कौन से कैटेगरी से हैं और आप किस जोन में फॉर्म को भर रहे हैं, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जब इस पे गहन अध्ययन किया तो हमको पता चला कि जिसमें, ऐसा नहीं है कि जिसमें जनरल की सबसे ज्यादा, जिस जोन में ज्यादा है उसमें ओबीसी की भी ज्यादा हो, तो ऐसा नहीं है। आपका जोन अगर अलग है तो आपका हो सकता है कि ओबीसी के लिए जोन अलग होगा जिसमें ओबीसी की वैकेंसी ज्यादा होगी, तो इस चीज को भी आपको देखना है जो आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे। और चौथी चीज है आपका एक्यूमेन, जो आपको हम थोड़ा सा हिंट देंगे आपको आपके एक्यूमेन पे निर्धारित करने के लिए आप कौन सा जोन आप चुने, क्योंकि आप जानते हैं बिल्कुल 100% ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं कौन सा जोन जो होगा वो आपका सेफ होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक अपने एक्यूमेन, अपने विवेक का यूज करके, उपयोग करके हम चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश क्या करते हैं, तो आप कहोगे सबसे पहले आपको देखना है आरआरबी और आपके ये आरआरबी के जोन है, और ये आपका अनरिजर्व यानी सामान्य वर्ग के लिए अगर आप देखोगे तो सबको पता है कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, सबसे ज्यादा वैकेंसी ओवरऑल जो है वो बिलासपुर में वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम सिकंदराबाद की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर सिकंदराबाद, अगर हम मुंबई की बात करेंगे तीसरे नंबर पर ये, फिर बैंगलोर और फिर क्या है, कोलकाता है। तो ये पांच जगह ऐसी हैं, पांच जोन ऐसे हैं जिसमें आप देखोगे, जिसमें आप साथियों देखोगे तो यहां पर कितना, 3, 2, 5, ये पांच जोन आपके ऐसे हैं, ये पांच जोन आपके ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा बिलासपुर में, फिर सिकंदराबाद में, फिर मुंबई में, फिर आपका बैंगलोर और कोलकाता में। इस तरीके से आपके सेफ जोन अगर हम बात करें तो ऊपर के ये जो पांच जोन हैं सबसे ज्यादा जो सेफ है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सेफ है, हम अगर आपसे कहेंगे तो सबसे ज्यादा सेफ जोन ये होंगे, ठीक है, सेफ जोन ये होंगे, जो सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे वो भी इसी जोन से भरे जाएंगे। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, अगर हम कहें कि कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आप कहोगे 40 लाख, अगर हम मान के चलें कि 40 लाख अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें से अगर 90% की बात देखें तो 90% सिर्फ भीड़ होगी और 10% क्या होंगे, 10% पढ़ने वाले होंगे जिनको सच में अपने सपने को साकार करना होगा, अपने परेशानियों से उजागर होना होगा और सिलेक्शन लेना होगा। अगर आप देखोगे तो 10% लोग ही क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं, वो क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं। 90% सिर्फ आपकी क्या होगी, भीड़ होगी। 10% की अगर बात करें तो आप कहोगे 40 लाख का 10% अगर हम देखें तो लगभग 4 लाख सीट्स पे, 4 लाख लोगों में आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी सिलेक्शन को क्या करना चाहते हैं, अपने सुनिश्चित करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो 4 लाख लोगों से आप मानकर चलिए कि ये 4 लाख लोग ऐसे हैं जो सच में इसके लिए पढ़ रहे होंगे और बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे, तो आप यहां पर देखना आपका जो कंपटीशन होने वाला है ये 4 लाख से होने वाला है, और ये 4 लाख लोग जिस जगह पे जाएंगे, जिस जगह फॉर्म को अप्लाई करेंगे वहीं की कट ऑफ आई जाने वाली है। इस बात को भी समझें, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि ये लोग जहां पर अपने एक्यूमेंट से जाएंगे वहीं पर कट ऑफ आई जाएगी और वहीं पर आपका क्या होगा,
वहीं पे आप देखना, आप देखने को पाएंगे कि कट ऑफ आपकी हायर होगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई अगर यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए इस तरीके से आप 5 जोन जो सबसे ज्यादा चुने जाएंगे, आप जानते हैं बिलासपुर, सबको पता है कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीट है, तो बहुत लोग सुनेंगे कि बिलासपुर में सबसे ज्यादा सीट्स हैं तो हम इसको भर दें, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सबसे ज्यादा भर दोगे तो हो सकता है कि इसमें पढ़ने वाले भी बच्चे सबसे ज्यादा भरेंगे और कट ऑफ फिर सबसे हायर जाएगी। आप जानते हैं पिछले साल भी ऐसा हुआ था जब इलाहाबाद की कट ऑफ गई थी, सबसे ज्यादा जो फॉर्म भरे गए थे वो इलाहाबाद से भरे गए थे और 75 में 60 कितनी चली गई थी, कट ऑफ चली गई थी। जबकि आप देख रहे हो पटना में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं और उन्हें भरा कहां से, इलाहाबाद से। क्यों? क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, तो वहां पर आप देखोगे। और पटना की जो कट ऑफ थी वो सबसे लो गई थी, है ना, वो लगभग लो गई थी, आप शायद 40 या कुछ इसी के करीब में कट ऑफ गई थी। तो आपको समझना है कि आपको कौन से जोन को चुनना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम अनरिजर्व यानी सामान्य की बात करें, पटना में यहां पर 15 सीट्स हैं और इसके साथ साथ जम्मू श्रीनगर, यानी आप देखो जहां पर पढ़ने वाले लोग हैं, जहां पर पढ़ने वाले लोग हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, वहां पर फॉर्म कितने गिर रहे हैं, ये आपको सारी चीजें क्या देखनी है। जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कितने भाई, 15 वैकेंसी है, तो क्या यहां पर जाना कोई पसंद करेगा? अगर हम ही लोग डालेंगे तो हो सकता है यहां पर वही लोग डालेंगे जिनका होम टाउन होगा, जिनका होम टाउन ही क्या होगा, जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से डाल देंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से बहुत कम फॉर्म जनरल के लोग डालेंगे। तो इस चीज को समझना है, ये चीज हम नहीं बता सकते, हमने अगर यहां पर बता दिया तो आप जानते हो कि अगर यहां पर बता दिया तो फिर उसी में लोग भरेंगे और हो सकता है उसी की कट ऑफ सबसे हाई चली जाए। तो आपको इस चीज को समझना है और देखना है, अपने आप एनालिसिस करना है। देखो अगर हम बात आपसे करें तो ये आपके सामने हमने वैकेंसी दे रखी, नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी और आपके लिए आसान इतना कर दिया है कि इनकी हम वैकेंसी को हमने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। अब हम खुल के शब्दों में नहीं कहेंगे कि कौन सा सेफ जोन आप चुन लें तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम सेफ जोन कह देंगे तो यहां पर बहुत लोग वही चुन लेंगे और उसकी हाई कट ऑफ चली जाएगी। लेकिन हमने बताया कि आपको अपनी एक्यूमन पे, अपनी बुद्धिमत्ता पे चलना है, चीजों को करना है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें ओबीसी की, अगर ओबीसी की बात करेंगे तो यहां पर बिलासपुर में इसमें भी सबसे ज्यादा सीट्स हैं और यहां पर भी आपके कितने, 5 जोन ऐसे होंगे जिसमें सबसे ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, जो लोगों को लगेगा कि सबसे सेफ जोन है। ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिशन होगा, जो आपकी हाई कट ऑफ होगी वो इन्हीं जोन से क्या होगी, इन्हीं जोन से होकर गुजरेगी। जबकि आप देखोगे इस तरीके के आपके जो जोन्स हैं, आपके जो नीचे जोन्स दिए गए हैं, इसमें आप देखो तिरुवनंतपुरम में भाई कितनी, एक ही वैकेंसी है, तो आप देखोगे यहां पर वो भरेगा जिसका जिसका क्या होगा, जिसका होम टाउन ही यही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की तो फिर यहां पर देखो 11 वैकेंसी है। तो आप अगर अपने सेफ जोन को छोड़ना चाहते हो, अपने होम टाउन को छोड़ना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि आपका 100% सिलेक्शन हो, तो आप अगर इन चीजों को छोड़कर आप इधर आना चाहोगे और सबसे ज्यादा जो आपके जोन रहेंगे ना, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन जो होने वाला है, जो बीच के जोन होंगे उनमें सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन होने वाला है। ठीक है, और नीचे के जोन जो आपके होंगे, नीचे के 5 जोन होंगे, उसमें कंपटीशन सबसे कम होने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहां पर वो लोग ही चुनेंगे जिनका होम टाउन होगा। ठीक है, बार बार इस चीज को बता रहे, नीचे के जोन वही चुनेंगे जिनका होम टाउन ही यही होगा और इसके अलावा अदर जो आपके स्टेट के हैं वो यहां पर भरेंगे, तो उनका फायदा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम एससी की बात करें तो एससी की सबसे ज्यादा वैकेंसी फिर बिलासपुर में और आप सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता। ठीक है, तो यहां पर कितने हैं, 48 वैकेंसी और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कितनी वैकेंसी है, 48 कोलकाता में, बेंगलोर में 72, 78, 115 और 189 यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, लगभग। अब अगर हम देखें यहां पर कौन सा, तो वही 5 जोन आपके सबसे सेफेस्ट जोन होंगे। अगर हम नीचे की बात करेंगे, आपके नीचे के जो आपके स्टेट हैं, जो जोन हैं, वो आपको क्या करना है, इन भाई बीच वाले जो जोन है आपके, इनको आपको इग्नोर करना है, इनको आपको इग्नोर करना है। अगर यहां से आपने भरा तो आप जानते हैं यहां पर कंपटीशन का जो लेवल रहने वाला है वो कम रहने वाला है, क्योंकि भाई यहां पर जो लोग भरेंगे ना उनका होम टाउन ही होगा और वही लोग यहां पर भरेंगे। ठीक है, अगर आप वहां से हटके अपना होम टाउन छोड़ना चाहते हैं तो आपको यहां पर पॉसिबिलिटी आपके 100% सिलेक्शन की होगी। अगर हम एससी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में अगर हम बात करें तो यहां पर 14 वैकेंसी हैं। अगर आप देखोगे तो यहां पर तिरुवनंतपुरम में जो एससी कैटेगरी है वहां से अगर देखो 14 वैकेंसी है और एससी और वहां पर एससी कम्युनिटी की बात करें तो एससी और एसटी का बहुत ज्यादा
कंपटीशन नहीं है, तो यहां पर अगर आप भर देते हैं तो आप यहां से अपने सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि यहां की कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी वही चीज है, सेम एसटी लोगों के लिए। भाई एसटी लोगों के लिए भी यही चीज है कि ऊपर के सबसे ज्यादा जो 5 जोन भरे जाने हैं वो सबसे ज्यादा जोन प्रिफर किए जाएंगे, जैसे साइबर कैफे में जाएंगे, ठीक है, जहां पर भी आप जाएंगे तो यही 5 जोन सबसे ज्यादा भरे जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहां पर नीचे के जो 5 जोन होंगे इसमें सबसे कम सीट्स होंगी, तो इसमें सबसे कम फॉर्म गिरेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किसमें आपको किस जोन को सेलेक्ट करना है और किस जोन को सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बात समझने की। अगर हम अजमेर की बात करें, भाई हाई रेटेड पीपल रहते हैं, अगर यहां पर बात करें तो हाई एजुकेटेड हाई रेटेड पीपल रहते हैं, तो यहां पर कंपटीशन का लेवल थोड़ा बढ़ा रहता है, मतलब यहां पर ओवरऑल बढ़ा रहता है। इसको अगर इग्नोर करेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं कि आपने हमको हमने बता दिया कि अपने मन से कुछ तो इसको ही भर दें, अब ऐसी जगहों को नहीं भरना, जैसे प्रयागराज हुआ, तो यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है और नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है इस बार कम है, लेकिन फॉर्म तो पड़ेंगे ही जिनका होम टाउन है और जो चाहते हैं, और इस दिमाग को भी कर रहे हैं कि भाई अगर 13 वैकेंसी है तो मतलब प्रयागराज से ज्यादा फॉर्म नहीं पड़ने वाले हैं। तो आप इस चीज को सारा आपको समझना है और जानना है। और इसी तरीके से अगर हम EWS की बात करें तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, आप देख पा रहे हो EWS के भी लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और इस तरीके से आप इन 5 जोन को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपना सेफ जोन खेलना चाहते हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन में उतरना चाहते हैं, अगर आप अपने होम टाउन को ही चूज करना चाहते हैं, तो आप इन 5 जोन में एक भर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हटना चाहते हैं, अगर आप अपना सेफ जोन छोड़ना चाहते हैं, मतलब अपने घर को आप होम टाउन को छोड़ सकते हैं, तो आप इसमें से कोई भी जोन आप भर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपकी कम वैकेंसी रहेगी, ओवरऑल बस हम आपको यह बता रहे हैं, जिसमें आपकी कम वैकेंसी रहेगी उस पे कम फॉर्म जो होंगे वो कम भरे जाएंगे। ठीक है, और इस चीज का अंदाजा, इस चीज का जिक्र सभी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि जब आप भी फॉर्म भरने जाओगे ना तो सोचोगे यार तिरुवंतपुरम 2 ही सीट तो है, तो इसमें हम इसमें तो नहीं भरे, कम से कम यहां पर अजमेर कोलकाता में ही भर दें, क्योंकि 27 सीट्स हैं। ठीक है, 27 सीट्स हैं, तो आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि कोलकाता से, मतलब आपका दिमाग ही काम कर सकता है। ठीक है, तो आपको इस चीज सीखनी है, इस चीज को समझना है कि जहां की एजुकेशन ज्यादा अच्छी है, वह जहां पर कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा अच्छा है, वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां भर सकते हो। अगर हम चेन्नई की बात करें, यहां पर भी पढ़े लिखे पीपल रहते हैं, अच्छे खासे पीपल रहते हैं, यहां पर कितनी है, 14 वैकेंसी है। ठीक है, तो यहां से आप भर सकते हो। अगर आप देखो चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में 6, भाई अगर हम बात करें किसकी, गोरखपुर की करें, तो यहां पर कितनी वैकेंसी है, 4 वैकेंसी है। तो आपको समझना है, आपको दोस्तों जानना है, और ओवरऑल जो आपको डिसीजन लेना है अपने ही इक्विपमेंट में लेना है। और अदरवाइज अगर आप चीजों को आज अगर हम बात करें तो आज सुबह से यूट्यूब पर एसएससी गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज से आपका बैच स्टार्ट हुआ है। एलपी रेलवे को ही लेकर आज से बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें 11 बजे दोस्तों हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। ठीक है, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे थिंक किया जाता है, कैसे थिंक किया जाता है विदाउट इंक। ठीक है भाई, कैसे आपको चीजों को विदाउट इंक यानी विदाउट पेन और पेपर के ही चीजों को कैसे सॉल्व करना, ये हम आपको वहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 12:30 बजे, 12:30 बजे क्या, तो आप कहेंगे 12:30 बजे जीके, यानी अगर हम बात करें जीके और जीएस की, ठीक है, जनरल साइंस की, तो वो सुभांशु सर क्लास आपकी लेते हैं, मतलब आज से स्टार्ट हुई है क्लास, और आज हमने मैथ का प्रीवियस ईयर सेट किया है और सर ने जीके और जीएस कराया है। इसके साथ साथ 6 बजे जो आपका सेट है वो रीजनिंग का है। ठीक है, जो अंकिता मैम पढ़ाएंगी आपको रीजनिंग, जो 6 बजे से आपका 6 बजे से होने वाला है, शाम में 6 बजे होने वाला है, तो आप कहेंगे शाम में 6 बजे से रीजनिंग का आपका सेट देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर आप चीजों को करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं और कैसे क्वेश्चंस को आपको करना है, किस मेथड से करना है, किस अप्रोच से करना है कि क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली हो पाए, बहुत शानदार से हो पाए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप एसएससी गुरुकुल, अगर आप एसएससी गुरुकुल ऐप पे जाएंगे, ठीक है, अगर आप एसएससी गुरुकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, ठीक है, एसएससी गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो यहां पर 10 मॉक आपको क्या मिलेंगे, 10 मॉक
आपको क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, बिल्कुल फ्री आपको क्या मिलेंगे, 10 मॉक दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से दोस्तों, देर किस बात की है, आप जाएं और मॉक को करने की कोशिश करें। एसएससी गुरुकुल के ऐप पे अब जब जाएंगे तो वहां पे फ्री मॉक का एक क्या होगा ऑप्शन होगा, या फ्री टेस्ट का क्या होगा एक अलग से क्या होगा ऑप्शन होगा, जिसमें 10 मॉक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े किसके, तो आप कहोगे आरआरबी एएलपी के जो 10 मॉक्स हैं वो बिल्कुल आपके बिल्कुल फ्री पड़े हैं, जिनको आप यहां से कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए, उम्दा बनाने के लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह आपको 11:30 बजे से भाई 1:30 बजे तक, लगभग 1:30 और लगभग 2 बजे तक आपको जुड़ना है आपको मैथ और जीके जीएस के लिए, और शाम में आपको रीजनिंग के लिए जुड़ना है, और इसके साथ साथ आपको एसएससी गुरुकुल ऐप पे फ्री टेस्ट देने हैं। 10 मॉक देंगे जो प्रीवियस ईयर बेस्ड आपके मॉक है, यहां से आपकी जो तैयारी है उसमें शार्पनेस आने वाली है, उसमें धार लगने वाली है। दोस्तों देर बिल्कुल ना करिए, जाइए सबसे पहले प्ले स्टोर पे एसएससी गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए। इसके अलावा आपको रोज YouTube पे आना है और क्लास को करना है, ठीक है, रोज क्लास को करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर चीजें आपको समझ में आई होंगी तो आप एक बार चैनल को क्या कर दीजिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को एक बार दोस्तों हमारी मेहनत के लिए, ठीक है, एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि सारे लोगों के पास वीडियो पहुंचे और सारे लोग इस चीज का बेनिफिट उठा पाए, इस चीज का लाभ उठा पाए। तो आज के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सुबह आना बिल्कुल ना भूले, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम रेलवे आरआरबी एलपी को लेकर मिलेंगे, जिसमें मैथ्स के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग वहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहली क्लास हो चुकी है और मिलते हैं कल सुबह 11 बजे। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।